Friends, wish you all a happy Navratri. Friends, do keep watching my channel and subscribe it. Thank you. ये साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमने एक बर्तन में इस तरीके का साबूदाना ले लिया है. ये इजीली अवेलेबल है, उपास में खाने के लिए बहुत कॉमन डिश है. इस साबूदाने को हम मैंने ये दो कप इस तरीके का दो कप साबूदाना ले लिया है और आप इसे पहले एक बार धो लीजिए. मैंने धो के रखा है. आप फिर इसमें धीरे से पानी डाल दीजिए. इस तरीके से मैंने साबूदाना भिगा लिया है. आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल कम डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर आ गया है, उतना पानी डाला है मैंने. और अब मैं इसे ढक के कम 7-8 घंटा इसे रख देंगे और फिर हम इसका साबूदाने का वड़ा बना लेंगे. देखिए हमारा साबूदाना हमने 7-8 घंटा भिगा लिया था. इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल चुका है. मैंने आपको पानी इसके लिए कम डालने बोला था. अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारे वड़े जो है बहुत चिपचिपे बनेंगे. आप देख सकते हैं बिल्कुल फूल गया है और नरम भी हो गया है. आइए देखते हैं इसमें और हमें और क्या सामान लगेगा. ये मैंने कुछ 4-5 आलू ले लिए हैं. ये मेरे पास है कटा हरा धनिया. ये मेरे पास है 1 चम्मच शक्कर. ये मेरे पास है जीरा. और ये मेरे पास है हरी मिर्ची. ये मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं. ये मेरे पास है सेंगदाने का पाउडर जो मैंने हमेशा नवरात्रि में बना के रख लेती हूँ. हर आइटम में काम आता है नवरात्रि के. ये मेरे पास है उपास का नमक. और ये मैंने थोड़ा नींबू ले लिया है जो हम उसमें ऐड कर लेंगे. आइए देखते हैं हमारे वड़े को किस तरीके से तैयार कर लेते हैं. सबसे पहले हम हमारा आलू ले लेंगे. इसमें सारे आलू हम इसमें मैश कर देंगे. अच्छे तरीके से आप इसे मैश कर लीजिए. आलू ले लेने के बाद हम इसमें अपना जीरा डाल देंगे. यह हमारे पास है उपास का नमक जो आप देख के स्वाद अनुसार डाल सकते हैं. ये मेरे पास एक छोटी कटोरी सेंगदाने के पाउडर की है. इसे मैं इसके लिए डालती हूँ क्योंकि इसमें अक्सर लोग सेंगदाना अखा भी डालते हैं, टुकड़ा करके भी डालते हैं, बट मैं पाउडर डालती हूँ. इससे इसकी एकदम अच्छे से बाइंडिंग होगी. ये मेरे पास है हरी मिर्ची. ये डाल देंगे हम. हरी मिर्ची भी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं. अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं. ये मेरे पास है 1 चम्मच शक्कर. ये मैं डाल दूँगी. ये मेरे पास है हरा धनिया कटा हुआ जो हमारे साबूदाने वड़े को बहुत अच्छा टेस्ट दे देगा. और ये मेरे पास है जो साबूदाना हमने भिगाया था. ये सारे साबूदाने को हम इस बोल में डाल देंगे. देखिए हमने अपना जो ये पूरा मसाला इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए. आपने जो सारी साबूदाना आलू और सारे मसाले जो डाले, अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस बिल्कुल थोड़ा डालूंगी. आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. अगर आपको नींबू पसंद नहीं है तो आप नहीं डालिए. अब हम इसे सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है. अब आप एक काम कीजिए, अपने हाथ में आप इसे तेल को ले लीजिए थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए हाथ इस तरीके से. और अब हम हमारे वड़े को बनाते जाएंगे. साबूदाना वड़े को इस तरीके से आप बना दीजिए. हमने हमारे सारे साबूदाने के वड़े को बांध लिया है. इस तरीके से आप भी बना लीजिए. अब हम इसे गरम तेल में तल लेंगे. हमारा तेल भी अच्छे तरीके से गरम हो चुका है. गरम तेल में हम हमारे ये साबूदाने वड़े को धीरे धीरे छोड़ देंगे और थोड़ा मीडियम आँच पर हम इसे पका लेंगे सुनहरा होने तक. इस तरीके से आप डाल दीजिए. हमारे साबूदाने के वड़े एक तरफ से लाल हो चुके. मैंने इसे पलट दिया. इसे और थोड़ा लाल होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे. देखिए हमारे वड़े बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं. सुनहरे और बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं. आइए हम इसकी अभी प्लेटिंग कर लेते हैं. हमारे साबूदाने के उपास के वड़े बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं. बिल्कुल क्रिस्पी और लाल लाल हुए हैं, सुनहरे हुए हैं. इसे ज़रूर बनाइएगा. आप इसे मीठी दही और उपास की हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. इसे आप बना के डब्बे में भी रख सकते हैं. जब आपका मन करे आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं. ये बहुत अच्छी डिश है. इसे ज़रूर बनाइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.